वेलकम बैक अगेन, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इनसेन। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में समझेंगे कि सेक्शन 498A में जब केस फाइल होता है, जब कंप्लेंट आती है पत्नी की तरफ से सेक्शन 498A में, और उस कंप्लेंट में जब लोगों को आरोपी बनाया जाता है, जैसे कि पति को आरोपी बनाया गया, सास को, ससुर को आरोपी बनाया गया, ननद को आरोपी बनाया गया, देवर को, भाभी को, जेठ को आरोपी बनाया गया, तो इस तरह से किन किन लोगों को आरोपी आखिर पत्नी बना सकती है, इसको हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में समझने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड थ्रू द वीडियो सो दैट यू कुड हैव अ वेरी बेटर अंडरस्टैंडिंग ओवर दिस सिचुएशन। देखो, बेसिकली क्या होता है कि जब केस फाइल होता है 498A में, तो पत्नी की हमेशा से कोशिश रहती है कि जितने मैक्सिमम लोगों को आरोपी वो बना सकती है वो बनाती है। अब वो चाहे पति ही क्यों ना हो या पति का रिश्तेदार, चाहे सास हो, ससुर हो, देवर हो, देवरानी हो, जेठ हो, जेठानी हो, ननद हो, ननद का पति हो, और इनके अलावा भी बाकी के जो रिलेटिव्स होते हैं, पत्नी उन सभी को आरोपी बनाने की कोशिश करती है। इसके अलावा कुछ केसेस ऐसे भी आने लगे हैं कोर्ट में जिसमें पत्नी ने जो शादी का बिचौलिया था, जिसने शादी करवाई थी दोनों की, पति पत्नी की, उसको भी पत्नी पार्टी बना देती है। यहाँ तक कि जो पड़ोसी है, पड़ोसियों को भी आरोपी बनाया जाता है। तो इस तरह से बेसिकली कोर्ट परेशान हो गया कि अब जब सभी लोगों को पत्नी आरोपी बना देगी तो ये तो गलत तरीका है। इस तरह से जो है सेक्शन 498 का केस आगे नहीं चल सकता, या सबको आरोपी बेसिकली नहीं बनाया जा सकता। किसको आरोपी बनाया जा सकता है, किसको नहीं बनाया जा सकता है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक बहुत ही अच्छा जजमेंट पास किया है। इस पर्टिकुलर जजमेंट को भी हम समझेंगे और फिर बेसिकली समझ में आएगा हमको कि पत्नी किन लोगों को आरोपी बना सकती है, किसके खिलाफ सेक्शन 498 का केस फाइल हो सकता है और किसके खिलाफ नहीं फाइल हो सकता है। सो चलिए आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझते हैं इस पर्टिकुलर जजमेंट को, इस जजमेंट में क्या हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने फिर बेसिकली इस जजमेंट के माध्यम से क्या गाइडलाइन जो है इशू की, जिससे ये क्लियर हो गया कि अब जब सेक्शन 498 का केस फाइल होगा तो उसमें पुलिस वाले भी ध्यान रखेंगे और जो निचली अदालतें हैं वो भी ध्यान में रखेंगी कि किन लोगों को आरोपी बनाया जा सकता है और किन लोगों को आरोपी नहीं बनाया जा सकता है। सो जिस पर्टिकुलर केस की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है रमेश कन्नौजिया वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तराखंड। इस केस में क्या हुआ था, इस केस के फैक्ट्स को समझते हैं। इस केस में पत्नी ने सेक्शन 498A में पति के खिलाफ, पति के घर वालों के खिलाफ और पति का जो पड़ोसी था उसके खिलाफ सेक्शन 498A में केस रजिस्टर किया। जब मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने सभी आरोपियों को समन से इशू कर दिया, समन के माध्यम से कोर्ट में बुला लिया। इसके बाद जो पड़ोसी था वो पड़ोसी जो है इस समन्स के ऑर्डर के खिलाफ पहुंच जाता है हाईकोर्ट। हाईकोर्ट में 482 की एप्लीकेशन लगाकर इस समन्स के ऑर्डर को क्वेश करने के लिए कहता है। एप्लीकेशन में उसका कहना होता है कि वो तो पति का पड़ोसी है, ना कि पति का रिलेटिव, तो इस तरह से उसको तो इस केस में इम्प्लीकेट नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर हाईकोर्ट उसकी एप्लीकेशन को डिसमिस कर देती है। अब इस ऑर्डर के खिलाफ वो पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचकर सेम वही बात कहता है कि मेरा तो पति से या पति के किसी भी रिलेटिव से कोई रिलेशन नहीं है, मुझे इस केस में आरोपी क्यों बनाया गया है, ये तो गलत है, मुझको केस में आरोपी नहीं बनाया जाना चाहिए था। इस तरह से वो अपनी सुप्रीम कोर्ट में बात रखता है और कहता है कि मुझे इस केस में आरोपी नहीं बनाया जाना चाहिए क्योंकि मेरा इस केस से कोई भी रिलेशन नहीं है। इस केस के पूरे फैक्ट्स को समझने के बाद सुप्रीम कोर्ट बेसिकली कहता है कि भाई देखो, किस व्यक्ति के खिलाफ केस चलाया जाएगा, किस व्यक्ति के खिलाफ केस नहीं चलाया जाएगा, ये स्पेसिफिकली सेक्शन 498A में ही बोला गया है। सेक्शन 498A बेसिकली बात करता है पति और पति के रिलेटिव्स के बारे में। पति और पति के जो रिलेटिव्स हैं सिर्फ उन्हीं के खिलाफ सेक्शन 498A में केस फाइल किया जा सकता है। कौन व्यक्ति रिलेटिव होगा, कौन नहीं होगा, इसको डिसाइड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दो तरह के लोग जो है रिलेटिव माने जाएंगे। पहले वो जो बाय ब्लड रिलेटेड हैं, दूसरा वो जो बाय मैरिज रिलेटेड हैं। मतलब कि शादी के द्वारा या ब्लड से जिसका रिलेशन है सिर्फ वही रिलेटिव की कैटेगरी में आते हैं और बाकी जो लोग हैं वो रिलेटिव की कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो जो लोग सिर्फ रिलेटिव की कैटेगरी में आते हैं सिर्फ उन्हीं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा सकता है और बाहर के किसी भी व्यक्ति को सेक्शन 498A में इम्प्लीकेट नहीं किया जा सकता, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे वो रिश्तेदार कोई दूसरा हो, या चाहे वो बिचौलिया ही क्यों ना हो। अगर किसी बिचौलिए ने शादी करवाई है, अगर वो रिलेटिव है तो इम्प्लीकेट कर सकते हैं, अगर वो बिचौलिया कोई बाहर का व्यक्ति है तो उसको आप इम्प्लीकेट नहीं कर सकते सेक्शन 498A के अकॉर्डिंगली। इस तरह से इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने उस व्यक्ति को जो पड़ोसी था उसको इस केस से हटा दिया और जो हाईकोर्ट की जजमेंट थी उसको रद्द कर दी। इस तरह से इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि किन लोगों के खिलाफ सेक्शन 498A में केस फाइल किया जा सकता है और किन लोगों के खिलाफ नहीं किया जा सकता।
उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।